नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, और आज हमारी जेनाइटो यूरिनरी जो सिस्टम है उसकी ये लास्ट क्लास है, और एडवांस सीरीज के अंदर हमारी ये 67th क्लास है। अभी तक हमने दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है, एंडोक्राइन को पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटन, न्यूट्रिशन के बारे में भी कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम पढ़ा है, और आई और जो ईयर है दोस्तों उससे रिलेटेड जितने भी जो डिसऑर्डर्स हैं उन सबके बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है ये, इसके बाद में हम अगला सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी फेलियर। तो क्रोनिक किडनी जो फेलियर दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से इसके बारे में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। हु इज टू बी ट्रीटेड विद कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। उस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब किसके द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट का जो मेथड है दैट इज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसके बारे में हम बात करेंगे हम। विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट नर्स आई इंडिकेट टू द प्राइमरी नर्स, कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट नर्स का जो इंडिकेट करता है नर्स को, प्राइमरी नर्स को, दैट द स्टूडेंट नर्स अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस थेरेपी। ठीक है भाई, प्राइमरी जो नर्स वो पूछती है मान लो स्टूडेंट नर्स से कि भाई इस पेशेंट को है ना कोई क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, और उसको हम क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल जो डायलिसिस है वो दे रहे हैं। अब वो पूछती है भाई ये क्या चीज़ होती है, तो वो जो बता रही है अगर वो सही बता रही है तो हमें सही ऑप्शन देखना है इसके अंदर, तभी तो कहेंगे कि भाई प्राइमरी नर्स दैट द स्टूडेंट नर्स अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस थेरेपी, भाई इस थेरेपी का क्या पर्पज है। विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट इंडिकेट टू द प्राइमरी नर्स दैट द स्टूडेंट है नर्स इंडिकेट द पर्पज ऑफ दिस थेरेपी। अब देखो सिंपल सी बात है, कैसे समझना है इसको। एक मेन नर्स है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी नर्स। एक स्टूडेंट नर्स है, स्टूडेंट नर्स केयर कर रही है उस पेशेंट की, जिस पेशेंट को क्या है दोस्तों क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन है, और वो किसके ऊपर है, सीएपीडी के ऊपर है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो सीएपीडी चल रहा है। अब उससे पूछते हैं कि भाई बताओ ये थेरेपी जो है क्यों यूज की जा रही है, तो आपको बताना है कि इसमें से सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा। पहला जो ऑप्शन वो दे रखा है, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ डायलाइजर एंड ब्लड टू क्लियर टॉक्सिन्स बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं, डायलाइजर जो ब्लड है उसका कंटिन्यूअसली क्या होता है दोस्तों, कॉन्टैक्ट होता है, जिसके कारण जो टॉक्सिन्स वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, और जो प्रिंसिपल इसमें काम आता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो ऑप्शन दे रहा है इट एक्सचेंज एंड क्लीन ब्लड बाय करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिन, कि ये एक्सचेंज करती है और ब्लड को क्या करती है, क्लीन करती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट और जो क्रिएटिनिन है उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है। इट डिक्रीज द नीड फॉर इमोबिलिटी, कि इस प्रोसीजर के कारण जो इमोबिलिटी की जो जरूरत है, मतलब कि क्लाइंट जो है दोस्तों मतलब मोबाइल का मतलब चल सकता है, फिर सकता है, और इमोबाइल का मतलब क्या है, वो मूव नहीं कर पा रहा है मतलब आराम से। तो बिकॉज इट क्लियर टॉक्सिन द शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट पीरियड, की बहुत कम समय के अंदर ही क्या कर सकती है, इसको क्लीन कर देती है, इसलिए ये इमोबिलिटी की जो नीड है उसको क्या करती है, कम करती है। मान लो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो ठीक है, और आपको डायलिसिस हो रही है, तो इसमें ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर वो सीपीडी पे है तो उसको ज़्यादा मूव नहीं करना, तो उसको कम करती है, मतलब वो मूव कर सकता है ठीक है। इट डिक्रीज द नीड फॉर इमोबिलिटी, कि इमोबिलिटी की नीड क्या करती है, कम कर करती है, मतलब कि क्लाइंट थोड़ी देर इमोबाइल रहता है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जब तो मैं आपको समझाऊंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, अभी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तब। इट यूजेस द पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम को एज ए सेमी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यूज करती है, जिसके द्वारा जो टॉक्सिन्स है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, क्लियर होते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हम बात करते हैं दोस्तों डायलिसिस की। डायलिसिस की हमारे अर्जुन सर की एक बहुत अच्छी क्लास है, पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, मैं थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी रहती है। अर्जुन सर ने आपको बहुत अच्छे से यूट्यूब के ऊपर एक क्लास मिल जाएगी, आप टीएनसी नर्सिंग क्लासेज और डायलिसिस डाल देना तो आपको पूरी क्लास पे मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों डायलिसिस क्या है। डायलिसिस एक प्रोसीजर है, इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर, इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर बाय विच रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच इज। बहुत सिंपल है, पूरी इसके इंडिकेशंस भी बता देगी कि क्यों कर रहे हैं ये प्रोसीजर हम।
सिंपल सी बात है, एक मेडिकल प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है ये, मेडिकल ट्रीटमेंट ही है ये, जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने जाना है कि जो पेशेंट है दोस्तों, सीकेडी के जो पेशेंट हैं या फिर एक्यूट किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं, उनमें भी कुछ समय के लिए क्या रहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते, किडनी काम नहीं कर रही है, उसके कारण फ्लूड का भी क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। तो इस प्रोसीजर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है और जो भी एक्स्ट्रा जो फ्लूड है बॉडी के अंदर दोस्तों, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। साथ में दोस्तों इसके अंदर हमने बहुत सारे क्या देखे थे, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी देखे थे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो इंबैलेंस है उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है, और जो बॉडी की नॉर्मल जो पीएच है दोस्तों, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। तो उस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं, डायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें चार चीजें कर रहा है ये, पहला काम क्या कर रहा है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा जो फ्लूड है बॉडी से, ठीक है, हम जानते हैं कि फ्लूड का रिटेंशन हो जाता है, किडनी काम नहीं करेगी, तो किडनी जो है दोस्तों, जब फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो बाहर फ्लूड नहीं निकलेगा, बॉडी के अंदर रिटेंशन होगा, उसके कारण बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिले थे, जिसके बारे में हमने क्या की थी, बात की थी। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूड है दोस्तों, उसको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है उसको सही किया जाता है, मतलब कि मेंटेन करता है किसको, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। और चौथा क्या है दोस्तों, जो पीएच है उसको भी क्या करता है, ये नॉर्मल करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो चार इसके क्या हो गए दोस्तों, पर्पज हो गए कि क्यों किया जा रहा है डायलिसिस, ठीक है। अब डायलिसिस का जो टाइप है वो दो प्रकार का डायलिसिस होता है दोस्तों, डायलिसिस है वो दो प्रकार का होता है, एक जो होता है दोस्तों दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरे प्रकार का जो डायलिसिस है दैट इज हीमोडायलिसिस, दूसरे प्रकार का जो डायलिसिस है दोस्तों दैट इज हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने परफॉर्म किया था दोस्तों, उसका क्या नाम था, कोफ नाम था उसका, क्या नाम था, कोफ नाम था। तो आपको ये याद रखना है, कई बार पूछ ले फादर ऑफ हीमोडायलिसिस कौन है, उसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी कोफ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कोफ होगा। और ये पूछता है कि भाई पेरिटोनियल डायलिसिस का कौन है फादर, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज टेन कोफ, इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, टेन कोफ। तो इसका फादर क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस का टेन कोफ है, और इसका कौन है दोस्तों, कोल्फ है। हीमोडायलिसिस का कौन है, कोफ है, और इसका कौन है दोस्तों, टेन कोफ है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अब देखो पेरिटोनियल जो डायलिसिस, इसके अंदर एक वर्ड है दोस्तों पेरिटोनियम। अब इस क्वेश्चन में हम मेनली पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, और अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो क्वेश्चन आएगा हीमोडायलिसिस रिलेटेड, वे वी विल डिस्कस अबाउट द हीमोडायलिसिस। तो हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस वर्ड है इसके अंदर पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो कैविटी है दोस्तों, उसका ये यूज कर रहा है। तो कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, मैं समझाने की थोड़ी सी बड़ी पेरिटोनियम कैविटी बना रहा हूं, इस पेरिटोनियम कैविटी का क्या करेगा दोस्तों, यूज करेगा, क्योंकि यहां पर जो इसके आसपास जो ब्लड सप्लाई होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि हम इससे पेरिटोनियम जो कैविटी है दोस्तों, इसको यूज करते हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा जो फ्लूड है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, पीएच, उसको मेंटेन करने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या आ गया दोस्तों, पेरिटोनियल डायलिसिस आ गया, क्योंकि वी आर यूजिंग द पेरिटोनियम। हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, पेरिटोनियम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, पेरिटोनियम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम आ गया दोस्तों, पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया। अब पेरिटोनियल डायलिसिस करते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे पेरिटोनियम के अंदर। तो हम एक कैथेटर लेंगे दोस्तों, और उस कैथेटर को हम पेरिटोनियम के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये कैथेटर लिया, और इस कैथेटर को हमने पेरिटोनियम के अंदर क्या कर दिया दोस्तों, इंसर्ट कर दिया। यहां पर इसको क्या कर दिया हमने, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं, इसको इंसर्ट करने के बाद दोस्तों, इसके अंदर दो कैप होती है जिसे हम डैक्रोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको स्टेबल करना भी तो जरूरी होता है ना। तो इसको स्टेबल करने के लिए एक पेरिटोनियम के अंदर कैप लगाते हैं, और एक यहां पर स्किन के अंदर कैप लगाते हैं। तो दो डैक्रोन वो होते हैं, इनको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, डैक्रोन के नाम से जानते हैं। ये डैक्रोन क्या करेगा, इसको एक जगह पर क्या कर देगा दोस्तों, स्टेबलाइज कर देगा, क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, ताकि ये क्या नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। तो इनको हम किस नाम जानते हैं, डैक्रोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पेरिटोनियम डायलिसिस के अंदर कैथेटर यूज कर रहे हैं, ये कैथेटर जो है दोस्तों, ये कैथेटर को हम, इसके कई प्रकार के एग्जांपल होते हैं, तो इसमें एक जो इसका जो मेन जो फादर है, उसी के एग्जांपल से आप इसको, इसका जो नाम है वो याद रख सकते हो कि कौन सा हम कैथेटर यूज कर रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर टेनकोप कैथेटर यूज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, जो टेनकोप जो कैथेटर है दोस्तों, वही हम इसके क्या अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, टेनकोप कैथेटर। अब इस टेनकोप कैथेटर को हमने अंदर क्या कर दिया दोस्तों, इंसर्ट कर दिया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज करने के बाद भी हम कुछ टाइम देते हैं इसके मैच्यूरेशन में, कि थोड़ा सा टाइम और ज्यादा स्टेबलाइज हो, क्यों,
काफी समय तक, जब भी कुछ समय तक यहाँ पर रहेगा तो उस समय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो सेल्स हैं इसको बिल्कुल क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे कवर कर देंगे, कुछ सेल्स यहाँ पर क्या कर देंगे इसको बिल्कुल यहाँ पे कवर कर देंगे, तो ये जगह पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, फाइब्रोसिस बन जाएंगे, कुछ वेसल्स आ जाती हैं ब्लड वेसल्स से, वो सब इसको क्या कर देती है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल कवर कर देती है। कवर करने का क्या फायदा होता है दोस्तों, कि जब हम पेरिटोनियम लेयर के अंदर कैथेटर उस समय डाल रहे हैं ना, उस समय क्या हो सकता है, फ्लूड का लीकेज हो सकता है, तो जब उसको कुछ समय टाइम दिया हमने, मैच्यूरेशन का टाइम दिया, तो उस लीकेज को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। इसलिए पेरिटोनियम डायलिसिस में जो कैथेटर डालने के बाद जो मैच्यूरेशन जो टाइम होता है दोस्तों, दैट इज अबाउट 1 to 2 weeks, 1 to 2 weeks कम क्या देते हैं दोस्तों उसको टाइम देते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम डायलिसिस की बात कर रहा हूँ, कहीं डायरेक्ट हीमोडायलिसिस की मत सोच लेना कि सर उसके अंदर जो टाइम वो ज्यादा होता है, आप कहोगे कि सर इतना नहीं होता है, 4 to 6 weeks होता है, तो वो हम हीमोडायलिसिस में बात करेंगे। पेरिटोनियम डायलिसिस के अंदर सिर्फ टाइम जो दिया जाता है दोस्तों, 1 to 2 weeks, 1 to 2 weeks के बाद पेशेंट को हम बुलाते हैं, क्यों, अब उसका हम डायलिसिस करेंगे, 1 to 2 weeks के बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे, पेशेंट को बुलाने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को बुलाने के बाद दोस्तों यहां पर हम एक फ्लूड यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, एक फ्लूड यूज करेंगे, और इस फ्लूड को हम इस कैथेटर के थ्रू क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायलाइसेट। इस फ्लूड को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डायलाइसेट के नाम से जानते हैं, इस फ्लूड को हम किस नाम जानते हैं, डायलाइसेट के नाम से जानते हैं। इस डायलाइसेट के अंदर वाटर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है, और इकोडेक्स्ट्रीन होता है, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, प्रेजेंट होती हैं इससे फ्लूड के अंदर। अब इस फ्लूड को क्या करेंगे दोस्तों, इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अब ये फ्लूड है इसको चला दिया हमने, और इस फ्लूड को हमने पेरिटोनियम कैविटी के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लूड चला दिया, चलने के बाद में ये फ्लूड यहाँ से गया और पेरिटोनियम कैविटी के अंदर भर गया, ये यहाँ पर जाके फिल हो गया, ठीक है। तो पहली जो प्रोसेस हुई वो क्या हुई, फिल, यहाँ पर हमने इसको भर दिया, भरने के बाद क्या होगा दोस्तों, अब ये फ्लूड यहाँ पर चला गया, तो जैसे ये तीन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, कितने प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है दोस्तों, तीन प्रिंसिपल के ऊपर ये मेनली काम करेगा। और ये तीन जो प्रिंसिपल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से तीन प्रिंसिपल के ऊपर पेरिटोनियल डायलिसिस काम करता है, जबकि हीमोडायलिसिस के भी प्रिंसिपल जो है तीन वो सेम ही रहेंगे। तो तीन जो प्रिंसिपल है दोस्तों, दैट आर डिफ्यूजन, आपको नाम नाम याद रखना है अगर आपको ज्यादा नहीं याद हो, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मोस्टली के अंदर वैसे पेरिटोनियम डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बताते नहीं है, लेकिन आप कहीं भी पढ़ोगे, आप सोंडर्स के अंदर भी पढ़ोगे तो वहां भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दे रखा है, और किसी भी बुक में पढ़ोगे तो वहां भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको मिलेगा। लेकिन मोस्टली ये कहती है कि हीमोडायलिसिस के अंदर ये तीनों यूज होते हैं, जबकि पेरिटोनियम डायलिसिस में सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है दोस्तों, वही क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। अब देखो, तो डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा, जब आपको सीएपीडी बताऊंगा तो थोड़ा सा और बताऊंगा कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, वो भी मैं समझा दूंगा आपको। तीन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा दोस्तों, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या होगा कि यहाँ पर पाए जाने वाली जो ब्लड वेसल्स जो होती है ना, देखो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो फ्लूड जो होता है ना, कोई भी फ्लूड होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अभी समझाता हूँ, देखो तीनों चीजें समझा देता हूँ मैं, चलो थोड़ा सा आपको। एक होती है दोस्तों ऑस्मोसिस, एक होता है आपका डिफ्यूजन, पहले डिफ्यूजन समझाता हूं, ताकि पहले डिफ्यूजन, एक जो प्रोसेस होती है दैट इज ऑस्मोसिस, और तीसरी जो प्रोसेस दे रखी है इसमें दोस्तों, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो डिफ्यूजन की प्रोसेस में तो कुछ नहीं होता, कोई भी चीज है हायर, जो पार्टिकल्स जो होते हैं दोस्तों, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से और लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं दोस्तों, मूव करते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं दोस्तों, मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने मान लो कमरे के अंदर परफ्यूम छिड़का, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह तक पहुंच गया, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई दोस्तों, डिफ्यूजन हो गई। कोई भी सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन की यहाँ पर क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों लगभग लगभग सेम, एक छोटा सा डिफरेंस है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर क्या होती है दोस्तों, सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन यूज होती है, सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन क्या होती है दोस्तों, यूज होती है। अब क्या होगा देखो, आपको समझाता हूं मैं, ये है सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर इस सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसके चारों तरफ दो कंपार्टमेंट ऐसे मान लो, जिसकी तरफ क्या होगा, कोई भी चीज मूव होगी, इसके अंदर भी वाटर है और इसके अंदर भी वाटर है, इसमें भी वाटर के साथ दोस्तों आयंस हैं, क्या है, आयंस है, और इसके अंदर भी वाटर के साथ क्या है दोस्तों, आयंस है। तो एक्चुअली में ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, मूव होगा, मूव कौन होगा ये ध्यान रखना, मूव हमेशा फ्लूड होता है, वाटर होगा,
मूव कौन होगा दोस्तों? हमेशा वॉटर होगा, ये ध्यान रखना। आयंस कभी भी मूव नहीं करते हैं। और वॉटर किस तरफ मूव होगा? वॉटर वॉटर को नहीं देखेगा मूव होने के लिए, वॉटर देखेगा आयंस को, जहां पर हायर कंसेंट्रेशन मिलेगी। मान लो दोस्तों यहां पर आप एग्जाम्पल के रूप में आयंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इन आयंस के, ये जो आयंस है इसकी तुलना में दोस्तों आयन यहां पर ज्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों? यहां का जो वॉटर है ये लोअर कंसेंट्रेशन से, क्योंकि यहां पर कम है कंसेंट्रेशन, यहां पर उल्टा था, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन था, जबकि यहां पर क्या होगा, लोअर कंसेंट्रेशन से जो फ्लूड है या जो वॉटर है, फ्लूड है या वॉटर है, ये किसकी तरफ मूव करेगा दोस्तों? हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये हाई कंसेंट्रेशन वॉटर की नहीं होगी, ये किसकी होगी दोस्तों? आयंस की होगी। किसकी होगी? आयंस की होगी। और किसके थ्रू मूव करेगा दोस्तों? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को किस नाम जानते हैं? ऑस्मोसिस। अब सिंपल से वर्ड में समझो, टफ चीजें कभी भी ब्रेन में नहीं जाती है, हमेशा बोलता हूं इसको सिंपल बनाओ। मूव कौन करेगा? वॉटर करेगा। वॉटर कहां से कहां करेगा? जहां पर आयन ज्यादा होंगे उस तरफ जाएगा। सिंपल सी बात बोलो, बैलेंस बनाएगा। वॉटर क्या सोचेगा कि भाई इसका दोनों का क्या बने? बैलेंस बने। बैलेंस कब ज्यादा बनेगा? यहां आयन ज्यादा है तो यहां पर वॉटर थोड़ा सा जाएगा, तो वॉटर की तुलना में फिर आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए मूव कौन करेगा? वॉटर करेगा। मूव कौन करेगा? वॉटर करेगा। किस तरफ करेगा? जिस तरफ क्या है? आयन ज्यादा है। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तीसरी जो प्रोसेस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बिल्कुल सेम है ऑस्मोसिस की जैसे ही। तब आपको सर अंतर क्या है? फिर अंतर सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि यहां पर बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, बस अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर भी सेम होगा, फ्लूड ही मूव करेगा, हायर कंसेंट्रेशन जो आयन उसी तरह मूव करेगा। लेकिन यूज क्या होगा दोस्तों यहां पे? आर्टिफिशियल क्रिएटेड प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब कि बाहर से हम क्या बनाएंगे? खुद प्रेशर देंगे, यहां पे हम बाहर से एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, जैसे एटीपी यूज करते हैं उस प्रकार से एनर्जी दिया जाएगा दोस्तों। उस एनर्जी के थ्रू क्या होगा? उसको क्या किया जाएगा दोस्तों? पुश किया जाएगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। कि प्रेशर बना के, जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट करके दोस्तों, प्रेशर को हम क्या करते हैं? मूव करवाते हैं। किसको? फ्लूड को मूव करवाते हैं। किस तरह मूव करवाते हैं? जो आयंस हैं उनके हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करवाते हैं लोअर कंसेंट्रेशन से। बस सिंपल क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर प्रेशर होता है, यहां पे क्या नहीं होता? प्रेशर नहीं होता। अब आ जाओ आगे, इसको समझाना जरूरी था, तीनों चीजें हो गई आपके। यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि जो फ्लूड है वो यहां से इस तरफ क्या किया? मूव किया। हमने ये लिया, डायलाइसेट लिया, ये सारा फ्लूड कहां गया? पेरिटोनियम में गया। अब इस जो पेरिटोनियम कैविटी है दोस्तों, इसके चारों तरफ यहां पर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। अब ये ब्लड वेसल्स में से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो वॉटर होगा उसका भी क्या होगा दोस्तों? मूव होगा। एक्स्ट्रा क्या होगा? वॉटर का मूव होगा। एक्स्ट्रा जो वॉटर है वो बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो फ्लूड ले रहे हैं इसके अंदर आयन ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होंगे? ये एक्स्ट्रा जो फ्लूड है वो आ जाएगा। तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो फ्लूड था वो किडनी की जगह कहां? किडनी का जो काम कर रहा है ये कौन कर रही है? पेरिटोनियम कर रही है। ये क्या काम कर रही है? उस एक्स्ट्रा फ्लूड को खुद ले रही है यहां पर। तो इस तरफ यहां पर क्या आ गया? फ्लूड आ गया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आयंस है उनका भी क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू इस प्रकार से क्या होगा? मूव होगा। ठीक है। या क्योंकि जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो कहां ज्यादा है? वो ब्लड के अंदर ज्यादा है। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों वो यहां से कहां आएंगे? इसके अंदर आएंगे। ठीक है। तो अब यहां पर क्या कलेक्ट हो जाएगा? जितने भी एक्स्ट्रा फ्लूड है, एक्स्ट्रा जो आयन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? कलेक्ट हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज सोचिए, पहली चीज हमने इसको भरा, इसको हम बोलेंगे फिल। इसको हम क्या बोलेंगे? फिल बोलेंगे। दूसरी चीज में हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको यहां पर कुछ समय तक इस फ्लूड को इसमें रखेंगे। रखने को हम बोलते हैं ड्वेल। रखने को हम क्या बोलते हैं? ड्वेल। तो यहां पर ये हो गया दोस्तों, दूसरी चीज हो गई इसके अंदर ड्वेल। ड्वेल करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों? अब इसको खाली करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे दोस्तों? इसको एक बैग लगाकर वापस से इसको बंद कर देंगे और फिर इसको क्या कर देंगे दोस्तों? हम खाली कर देंगे। इसको खाली कर देंगे, फिर वापस से फिल करेंगे, फिर कुछ समय रखेंगे। कुछ समय रखने को क्या बोलेंगे? ड्वेल। फिर इसको वापस से खाली कर देंगे। तो खाली करने को क्या बोल देंगे दोस्तों? ड्रेन। क्या बोल देंगे? ड्रेन। तो तीन चीजें हो रही है इसके अंदर। पहला काम क्या हो रहा है? फिलिंग हो रही है। फिलिंग में लगभग 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, 10 to 20 minutes टाइम भरने में। ऐसे नहीं एकदम से डायरेक्टली आपने तेज भर दिया, ऐसे नहीं। 10 से 20 मिनट में हम पेरिटोनियम कैविटी को उस फ्लूड के द्वारा भरेंगे। फिर ड्वेल लगभग 20 से और 30 मिनट का टाइम किसमें लगेगा दोस्तों? ड्वेल में लगेगा। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। देखो 10 से 20, 20 से 30। ठीक है। ड्रेन का कोई टाइम नहीं होता है। हम इसको धीरे धीरे क्या कर लेते हैं दोस्तों? खाली कर लेते हैं। जितना भी है कैविटी को उसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? खाली कर लेते हैं। तो तीन चीजें होंगी, एक फिल, एक ड्वेल और एक ड्रेन। एक बार फिल करना, एक बार ही ड्वेल करना और एक बार ही ड्रेन करना।
इन तीनों चीजों को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, साइकिल या एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। कि एक साइकिल हो गया या क्या हो गया दोस्तों, एक एक्सचेंज हो गया, एक साइकिल हो गया या एक क्या हो गया है दोस्तों, एक्सचेंज हो गया है। तो इस नाम से हम इसको जानते हैं, इस नाम से हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस याद कर लो कि दोनों के सेम ही प्रिंसिपल होते हैं, पेरिटोनियम डायलिसिस में भी यही काम करेगा और हीमोडायलिसिस में भी यही काम करेगा। अलग से भी आता है तो भी आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल क्या है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। फिर इसमें टाइम पूछ सकता है कि भाई कितना कितना टाइम लगता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि 10 से 20 मिनट का फिलिंग में, ड्वेलिंग में 20 से 30 मिनट का, और फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ड्रेनेज होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर वापस से फिल करेंगे, फिर वो करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, साइकिल इसमें चलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें साइकिल चलाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, याद रखना। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, डायरेक्टली आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप ड्रेन कर रहे हो और ड्रेन करते समय मान लो दोस्तों कि जो ड्रेन है उसकी स्पीड कम है या ड्रेन कम आ रहा है बिल्कुल, तो आप क्या करोगे एज ए नर्स। ठीक है कि भाई आप इस कैथेटर को हिलाओगे, ठीक है, कैथेटर को हिलाओगे या क्या काम करोगे दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर ड्रेन की अमाउंट कम आ रही है, अगर जो ड्रेन है दोस्तों वो कम आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट की पोजीशन को क्या करेंगे दोस्तों, चेंज करेंगे, चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट, चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट। क्यों? क्योंकि भाई ये तो फ्लूड है ना, मान लो कि पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो एक तरफ से आ रहा है, थोड़ा इधर होगा तो फ्लूड ग्रेविटी के कारण नीचे होगा तो कैथेटर में से बाहर निकलेगा, इधर करेंगे तो इधर होगा तो बाहर निकलेगा। तो जिस भी जगह से फ्लूड कलेक्ट हो रहा होगा उस जगह से फ्लूड क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, ड्रेन के नाम से हम इसे जानते हैं। बाहर निकलने को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्रेन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियम डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। ज्यादा नहीं याद कराऊंगा, सिर्फ एक याद कर लो बस आपको कि भाई पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, दैट इज पेरिटोनाइटिस। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है दोस्तों, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस इसका क्या हो सकता है दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसके क्या हो सकते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो दोस्तों खुद पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेरिटोनाइटिस किसी पेशेंट को हो गया दोस्तों, तो एक ध्यान रखना किसके अंदर ना पेन एब्डोमन और हो जाता है, कई बार क्लाइंट को हम ये करते हैं ना तो क्या हो जाता है, पेन एब्डोमन हो जाता है। पेन एब्डोमन की कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको सर क्यों, एक्चुअली में जब फ्लूड जाता है ना, तो स्टार्टिंग के अंदर जब पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट होती है तो पेशेंट की जो पेरिटोनियम जो लेयर हो क्या होती है, इरिटेट होती है, और उस इरिटेशन के कारण पेशेंट को क्या होने लग जाता है दोस्तों, पेन होने लग जाता है। उस समय वो खुद ही क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, तो लाइट पेन रहता है एब्डोमेन का, तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो गया दोस्तों, एक तो पेरिटोनाइटिस हो गया, इसके अलावा जैसे बाउल और ब्लैडर परफोरेशन हो, बाउल एंड ब्लैडर परफोरेशन हो, एक एब्डोमन की सर्जरी हो, एब्डोमन कि क्या हो दोस्तों, सर्जरी हो उस कंडीशन में भी, या कोई भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भाई उस जगह से रिलेटेड ये सारी चीजें, तो इसलिए नहीं करते बाउल ब्लैडर सब चीजें, एब्डोमेन सर्जरी कर दी तो वहां पर आप कैथेटर को इंसर्ट कैसे करोगे, तो ऐसी चीजें आप नहीं कर पाओगे ना, तो इस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, जो कैथेटर जो इंसर्ट किया जाता है ना, वो लगभग अम्बिलिकस से लगभग दोस्तों 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। कैथेटर जो हमने इंसर्ट किया है, टेनकोप जो कैथेटर इंसर्ट किया है, वो लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर अम्बिलिकस से नीचे की तरफ क्या किया जाता है दोस्तों, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अम्बिलिकस से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ इसकी साइट ऑफ इंसर्शन होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आता है क्वेश्चन कि पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइप, पेरिटोनियल जो डायलिसिस है उसके टाइप, तो उसके दो ही टाइप होते हैं, एक होता है दोस्तों आपका CAPD और एक आपको टाइप होता है दोस्तों दैट इज APD। CAPD क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। एपीडी का मतलब यहां पर इससे समझ लेना, एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस मत कर देना इसको, ठीक है, कई बार बच्चे यहां से गलती कर देते हैं। तो ऑटोमेटेड
ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब समझाता हूं, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल जो डायलिसिस है ना दोस्तों, ये पेशेंट खुद ही कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं होती है। जबकि ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस है दोस्तों, इसके अंदर एक मशीन की जरूरत होती है, जिसे हम पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन के नाम से जानते हैं, पेरिटोनियल साइक्लिक मशीन के नाम से जानते हैं, पीसीएम से याद रख लो, पीसीएम पैरासिटामोल होती है ना, पीसीएम पेरिटोनियल साइक्लिंग साइक्लिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो ये मशीन जो है ना दोस्तों, ये खुद ही अंदर डालेगी, ठीक है, फिल करेगी, उसके बाद उसको कुछ समय रखेगी और फिर बाहर निकालेगी। तो ये जो पूरा जो कंट्रोल जो किया जाएगा ना दोस्तों, वो मशीन के द्वारा किया जाएगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोमेटेड, अपने आप हो गया। जबकि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि मैं फ्लूड चलाया, फ्लूड अंदर गया, कुछ समय के बाद बाहर निकाला, तो वो किसका नाम है दोस्तों, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर इसको एम्बुलेटरी क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूअस तो चलो ठीक है, लेकिन इसको एम्बुलेटरी क्यों बोलते हैं। कंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि इसमें जो पेशेंट है ना, खुद ही क्या करता रहता है, कंटिन्यू डायलिसिस करता रहता है वो, ठीक है, वो लगभग दिन के अंदर चार बार, लगभग फोर टाइम्स इन ए डे, एक दिन के अंदर लगभग वो चार बार क्या करता है दोस्तों, खुद करता रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया दोस्तों, कंटिन्यूअस हो गया, और हर महीने के सातों सातों दिन, ठीक है, 24 घंटे में चार बार करेगा, और सप्ताह के सातों दिन और महीने के 30 के 30 दिन, ठीक है, सप्ताह के सातों दिन और महीने के 30 के दिन, हर 24 घंटे के अंदर वो लगभग चार बार क्या करता है दोस्तों, वो डायलिसिस करता है, खुद ही करता है। अब खुद करने में क्या करेगा, वो वही फ्लूड को चलाएगा, ड्रेन उसके अंदर फिल करेगा, फिल करने के बाद ड्वेल करेगा, फिर ड्रेन कर लेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, पेशेंट भाई उसमें हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, तो हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जो पेशेंट है भाई, उसने किया डायलिसिस, उसके बाद में फिर वो चलने लग गया, फिर किया, फिर चलने लग गया। तो इसे इसलिए से हम किस नाम जानते हैं भाई, कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस के नाम से हम इसे जानते हैं, हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कम टाइम नहीं लगता, लगभग जो टाइम है वो काफ़ी टाइम इसमें भी लग सकता है, ऐसे नहीं है कि आप ये कहोगे भाई बिल्कुल ये जल्दी हो गया, तो क्योंकि इसके अंदर तीन से, ऐसे नहीं कि एक साइकिल दे दिया आपने, जैसे एक बार करोगे तो आपको चार बार देना पड़ेगा, चार साइकिल करने पड़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या लगता है, आपका टाइम लगता है। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल जो डायलिसिस है दोस्तों, इसके अंदर क्या करते हैं, एक मशीन होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये भी तीन प्रकार का हो सकता है, जैसे एक कंटिन्यूअस हो सकता है, ये कंटिन्यूअस, तो इसी की तरह दोस्तों, ठीक है, इसी की तरह कम से कम चार बार डायलिसिस किया जाएगा, ठीक है, कम से कम कितनी बार किया जाएगा, चार बार डायलिसिस किया जाएगा एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर चार बार किया जाएगा, और सातों दिन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों, सातों दिन किया जाता है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगर आप सातों दिन न करो और एक वीक के अंदर कुछ दिन ही करो, तीन से चार दिन करो दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंटरमिटेंट के नाम से जानते हैं, इंटरमिटेंट एपीडी के नाम से हम इसे जानेंगे, या फिर इसका हम नाइट साइक्लिंग होता है, सिर्फ नाइट के दौरान ही कर रहे हैं हम, नाइट के दौरान लगभग 8 घंटे तक किया जाता है, ठीक है, लगभग नाइट नाइट के अंदर ही अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, नाइट साइक्लिंग के नाम से जानते हैं। तीन प्रकार होता है सिंपल सा, एक कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो इसके अंदर बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक, 24 घंटे के अंदर हम चार बार करते हैं लगभग, और हर सातों दिन करते हैं। इंटरमिटेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ दिन छोड़ छोड़कर हम बीच बीच में करते हैं, तो ये इंटरमिटेंट कहलाता है। और नाइट साइक्लिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डायलिसिस जो हम करेंगे पेरिटोनियल, वो सिर्फ हम कब करते हैं, नाइट नाइट के अंदर ही करते हैं दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नाइट साइक्लिंग के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है, इसे हम किस नाम जानते हैं, नाइट साइक्लिंग के नाम से जानते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है। अब समझो, इस पेशेंट को खुद ही कर रहा है, तो कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल क्या है दोस्तों, इसको डायलिसिस है। अब आपको बताना है कि क्या चीज होती है ये, तो ये क्या होता है दोस्तों, इट यूजेस द पेरिटोनियम एज ए सेमी पेरिवल मेम्ब्रेन। सेमी पेरिवल मेम्ब्रेन का काम कौन कर रही है दोस्तों, पेरिटोनियम कर रही है, टू क्लियर टॉक्सिन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन है दोस्तों, उसकी प्रोसेस का यूज करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैंने कहा था, इसमें लिखा नहीं है उन्होंने, लेकिन तीनों जो प्रोसेस है वो यूज होती है। वो हो सकता है कि इसका रीजन ये हो कि जो सीएपीडी मशीन है ना दोस्तों, वो बाहर से क्या बनाती है, प्रेशर बनाती है, तो उसके कारण हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं डाला हो। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेरिटोनियल जो डायलिसिस है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको तीनों लिखने पड़ेंगे कि इसके अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी होती है। तो पेरिटोनियम डायलिसिस या सीपीडी क्या होता है दोस्तों, कि पेरिटोनियम लेयर को सेमी मेम्ब्रेन की तरह हम यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम टॉक्सिक जो प्रोडक्ट हैं उसको बाहर निकालते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यही आएगा, फर्स्ट दे रखा है। देखो अब आपको ऐसे लगेगा कई चीजें सही हैं। इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ डायलाइजर, डायलाइजर में जो फ्लूड डाल रहे हैं उसको, एंड ब्लड टू क्रिएट टॉक्सिन बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन। एक तो सिर्फ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, एक देखो अगर इन दोनों में आपको दो चुनने हो,
अगर इन दोनों में से सॉरी एक चुनना हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, तो आप क्या चुनोगे? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन दो दे रखे, यहाँ पर एक ही दे रखा है, पहला रीजन। दूसरा दोस्तों, डायरेक्टली एकदम कॉन्टैक्ट हम बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कि भाई एकदम ही डायरेक्टली हमने कॉन्टैक्ट बोल दिया। इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो होता ही है कि ब्लड के प्रोडक्ट इधर आते हैं, ठीक है, तो वो तो होता है, लेकिन एकदम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी इसमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये राइट आंसर नहीं रहेगा। सेकंड क्या दे रखा है, देखो इट एक्सचेंज, एक्सचेंज तो करता ही नहीं है, ठीक है, एक्सचेंज करने का मतलब क्या, इधर प्रोडक्ट इधर, इधर का इधर, ब्लड और वो मिक्स हो गए, तो वो उस प्रकार से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज होता ही नहीं है। जब किसमें दे रखा है, इट एक्सचेंजेस एंड ये ठीक है भाई, क्लीनेज ब्लड बाई करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन, तो सिर्फ क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट नहीं करता, बाकी के जो बेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी क्या करता है दोस्तों, ये एक्सक्रीट करता है, और डायरेक्टली सिर्फ हम एक्सचेंजेस को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या देखा, इट डिक्रीज द नीड फॉर इमोबिलिटी, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, कि भाई अगर आप हीमोडायलिसिस करोगे तो उसमें इमोबाइल रहना पड़ता है, यानी तो मैंने आपको बताया दोस्तों ये भी कितनी बार करना पड़ रहा है, और करते टाइम तो पेशेंट मूव नहीं कर सकता ना, तो ये कह रहा है कि भाई ये इट डिक्रीज द नीड फॉर इमोबिलिटी, तो ये इमोबिलिटी की नीड को डिक्रीज नहीं करता है। हाँ ये ठीक है, इट क्रिएट टॉक्सिन, ये लाइन ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में हम नहीं मान सकते भाई, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में, तो टाइम इसमें भी क्या होता है देता है, क्योंकि एक बार अगर आप डायलिसिस करोगे ना दोस्तों, तो उसके अंदर भी कई सारे क्या करने पड़ते हैं आपको, साइकिल करने पड़ते हैं। जैसे साइकिल के अंदर क्या आता है भाई, फिल करोगे आप उसको, ड्वेल करोगे और फिर ड्रेन करोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो राइट जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। तो लिख लो, अब मैं सिर्फ पेरिटोनियल डायलिसिस लिखूंगा, सीपीडी नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखो पेरिटोनियल डायलिसिस में, पेरिटोनियल, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सारे वो करवाऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। पेरिटोनियल डायलिसिस में, डायलिसिस में पेरिटोनियम, पेरिटोनियम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, मेम्ब्रेन की तरह, की तरह काम करती है, की तरह काम करती है, तथा तथा डिफ्यूजन, तथा डिफ्यूजन कोमा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है, के प्रिंसिपल पर, पर, पर आधारित होती है, बेस्ड होती है, ठीक है, आधारित, आधारित होती है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, इट यूज द पेरिटोनियम एज ए, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो पहले सारे देख लेंगे आपको, ठीक है, सीक्वेंस आप खुद देखते रहना भाई, सीक्वेंस में इधर उधर कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले जैसे क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड सारे करवा दूंगा आपको, है ना। हाँ ये भी पेरिटोनियल डायलिसिस का ही है। ए नर्स इज इवाल्वेटिंग ए क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, विच इन्फॉर्मेशन इन द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ द प्रोसीजर, कि भाई पेरिटोनियल जो डायलिसिस है ना दोस्तों वो क्यों किया जाता है। पहला दे रखा है री इस्टाब्लिश द किडनी फंक्शन, गलत है ये, आपको सर क्यों, भाई किडनी के तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किडनी तो हॉर्मोन भी सीक्रेट करती है, वाइटामिन डी को भी एक्टिवेट करने का काम करती है, इरिथ्रोपोएटिन को सीक्रेट करती है, तो दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा ही किडनी फंक्शन उसने क्या कर दिया, रीस्टैब्लिश कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड तो बिल्कुल गलत है, क्लीन द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों करते हैं, ताकि पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है ना उसको हम क्या कर दें, उसको हम क्लीन कर देते हैं, क्लीन करने से हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, हमारा कोई पर्पज नहीं है उसको क्लीन करने का। प्रोवाइड फ्लूड फॉर इंट्रासेल्युलर स्पेस, जो वो फ्लूड होता है ना दोस्तों एक्चुअली उसके अंदर तो फ्लूड आता और है, जाता नहीं है, ठीक है, और दूसरा वो फ्लूड जो आता है एक्स्ट्रा सेलुलर से आता है, तो इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर फ्लूड क्यों जाएगा दोस्तों, या इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर ये फ्लूड नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, रिमूव टॉक्सिन इन एडिशन टू द अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, कि ये क्या काम करती है, इसका क्या पर्पज है करवाने का, हम इसलिए करवाते हैं कि हमारी बॉडी से ये टॉक्सिन्स को और जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उनको बॉडी से क्या करती है दोस्तों, बाहर निकालती है, ठीक है। तो लिख लो पेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा, के द्वारा टॉक्सिन्स तथा वेस्ट प्रोडक्ट को, तथा वेस्ट प्रोडक्ट को, को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बड़ी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये हीमोडायलिसिस रिलेटेड है, तो आपको थोड़ी देर में कराऊंगा ये, मैं पहले मैं पेरिटोनियल डायलिसिस कराऊंगा आपको सारे क्वेश्चन, है ना। ये देखो व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट से ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, आप पेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा एक जो पेशेंट है दोस्तों उसको क्या कर रहे हो, असेस कर रहे हो। ए नर्स ऑब्जर्व द ड्रेनेज ऑफ द डायलाइसेट फ्रॉम
द पेरिटोनियल कैविटी हैज सीज्ड। देखो मैंने आपको ये बताया हुआ भी है कि भाई आप डायलिसिस कर रहे हो और जो ये जो ड्रेनेज जो है ना दोस्तों वो नहीं हो रहा, वो रुक गया है बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मतलब जितनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम थी उससे पहले क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि आपने डायलिसिस डाला है तो आपको पता है ना कितनी अमाउंट है, तो उससे तो अमाउंट जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकता है क्योंकि फ्लूड है और वो उससे पहले ही रुक गया है। तो व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू, तो नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या कर दिया दोस्तों, इसको फिल कर दिया, कुछ समय यहां पर रखा, उसको ड्वेल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्वेल बोलते हैं, आपने फिल कर दिया, ड्वेल कर दिया, फिर उसके बाद में इसको बाहर निकालना है क्योंकि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, मिक्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आप ड्रेनेज कर रहे हो लेकिन जितना फ्लूड आपने डाला उतना फ्लूड भी नहीं आया, आपको पता लग गया कि कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, कुछ ना कुछ चक्कर है, तो वो रुक गया। तो रुकने पर आप क्या करोगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि रुकने के ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, आप एक नर्स हो तो आपको सिर्फ पेशेंट की पोजीशन को चेंज करवाना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट, मैंने आपको पहले बताया, देखो इस प्रकार से लेटा हुआ है, तो हो सकता है कि वो जिस पोजीशन में उस तरफ फ्लूड है ना वो दूसरी पोजीशन में हो, तो जैसे पेशेंट इधर होगा तो वो फ्लूड आ जाएगा बाहर, दूसरी पोजीशन चेंज होगा तो उधर से फ्लूड आ जाएगा। इसके कारण हम सिर्फ क्या काम करते हैं दोस्तों कि पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, तो टर्न द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, पेशेंट की पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको साइड टू साइड क्या करेंगे दोस्तों, टर्न करेंगे, ताकि उसके द्वारा जो भी बचा हुआ जो ड्रेनेज है दोस्तों वो बाहर निकले। ड्रिंक के गिलास और वाटर कोई लेना देना नहीं है, पानी का गिलास पिला दोगे कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड दे रखा है डीप ब्रीथ एंड कफ, डीप ब्रीथिंग और कफ करने से भी यहाँ पे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो नहीं निकालने वाला बाहर। रोटेट द कैथेटर पीरियडिकली, हम नहीं कर सकते हैं रोटेट, रोटेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, एसीपी जिम्मेदार है, उसको डालने के लिए भी एसीपी जिम्मेदार है, उस कैथेटर को हम नहीं डालते हैं, एसीपी डालेगा, अगर उसको रोटेट करने की जरूरत है तो वो कौन करेगा, एसीपी करेगा, हम उसको रोटेट नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। तो लिख लो, अगर पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान, अगर पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान अगर पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान ड्रेनेज ट्यूब से या ड्रेनेज पोर्ट से ड्रेनेज आना बंद हो जाए तो नर्स के द्वारा पेशेंट को साइड टू साइड टर्न करवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लगता नहीं है अब पेरिटोनियल डायलिसिस का क्वेश्चन होगा शायद, ये भी हेमोडायलिसिस का है, ये भी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं दोस्तों बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू हेमोडायलिसिस, किससे रिलेटेड है दोस्तों, हेमोडायलिसिस से रिलेटेड है ये। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ CKD, क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है दोस्तों, ठीक है, CKD क्रोनिक किडनी डिजीज बोल दो, क्रोनिक किडनी इंजरी बोल दो, क्रोनिक किडनी फेलियर बोल दो, क्रोनिक रीनल फेलियर बोल दो, सब बोल सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ पिछली क्लास में। हु हैज जस्ट बीन टोल्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट हीमोडायलिसिस इज नेसेसरी, पेशेंट को बताया गया है दोस्तों कि हीमोडायलिसिस क्या है, नेसेसरी है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंडिकेट द नीड फॉर हीमोडायलिसिस, ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि हीमोडायलिसिस की नीड बताता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि चारों ही ऑप्शन इसको कंफ्यूज करते हैं, एसाइटिस भी करता है, एसिडोसिस भी करता है, हाइपरटेंशन भी करता है और हाइपरकैलेमिया भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे हम प्रायोरिटी के बेस्ट पे देंगे कि कब करते हैं। चलो बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या है दोस्तों कि भाई हम ब्लड को भेजेंगे, अब ठीक है, अब ब्लड को क्या भेजेंगे, हम ब्लड को भेज रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ, हीमो हुआ। वहां पर पेरिटोनियम में फ्लूड को भेजा और खुद जो ब्लड है वो मिक्स हुआ, तो ब्लड का हमने डायरेक्टली कुछ यूज नहीं किया, हमने खुद नहीं किया, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट को ब्लड को भेजेंगे और सेमी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बना हुआ डायलाइजर यूज करेंगे, ठीक है, डायलाइजर यूज करेंगे जो कि किससे बना हुआ होगा, सेमी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बना हुआ होगा, ठीक है, इसे हम सेलोफेन, पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इन्हें किस नाम जानते हैं, अभी मैं समझा दूंगा अच्छे से,
पोरस सेलोफोन मत लिख देना, सेलोफेन मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो ये सेलोफेन जो मेम्ब्रेन है, पोर का मतलब छिद्र वाली, ये किसके रूप में काम करती है दोस्तों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। एक तरह से हम मशीन का यूज कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है, कोई पेरिटोनियम कैविटी बॉडी की कैविटी यूज नहीं कर रहे हैं हम। यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, अभी मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं, फिर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सिंपल वे में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अब ब्लड को भेजेंगे, ये ब्लड इस मेम्ब्रेन से होकर गुजरेगा, गुजरकर फिल्टर हो जाएगा, एक्सेस फ्लूड बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और फिर इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो कि बाहर निकला हुआ जो फ्लूड होगा उसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम अमाउंट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। जैसे उसके अंदर हम डायलाइजर जो डायलाइसेट डालते हैं दोस्तों, यहां पर भी इस प्रकार से क्या होते हैं, दो डायलाइसेट के बने हुए होते हैं। तो एक से डायलाइसेट जाता है और एक से डायलाइसेट क्या आता है दोस्तों, जो यूज हो गया जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलाइसेट क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर बाहर आता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड को कैसे भेजोगे? ऐसे तो है नहीं कि आपने सैंपल लिया, 10 ml लिया, 10 ml मशीन में डाल दिया, उस मशीन ने फिल्टर कर दिया, फिर वापस से आपने, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। अब बॉडी का इतना ब्लड भेजना है दोस्तों, तो आपको कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है, उसके बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो हम कैसे एक्सेसिबिलिटी बनाते हैं, ठीक है, कैसे एक्सेसिबिलिटी बनाएंगे हम, देखो इसमें तो इसके कई सारी टेक्निक है। जैसे कि एक जो टेक्निक है दोस्तों, दैट इज सबक्लेवियन एंड फिमोरल कैथेटर। सबक्लेवियन एंड फिमोरल कैथेटर। दूसरी जो टेक्निक है दोस्तों, दैट इज एक्सटर्नल आर्टेरियो वेनस संट। थर्ड जो टेक्निक है दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, प्रोसीजर ऑफ चॉइस है सीकेडी के पेशेंट के लिए, दैट इज इंटरनल आर्टेरियो वेनस फिस्टूला। इंटरनल आर्टेरियो वेनस फिस्टूला। और चौथी जो टेक्निक है दोस्तों, दैट इज इंटरनल आर्टेरियो वेनस ग्राफ्ट। इन चार टेक्निक का यूज करके दोस्तों हम ब्लड को क्या करते हैं, भेजते हैं डायलाइजर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, डायलाइजर के अंदर भेजते हैं। चार टेक्निक यूज करते हैं। पहली चीज क्या करेंगे दोस्तों, मान लो कि पेशेंट के आपके पास टाइम की कमी है, अभी आपने पेशेंट के अंदर फिस्टूला जो है दोस्तों वो बनाया नहीं है, ठीक है, या फिर पेशेंट है दोस्तों आपको पता है उसको कम समय के लिए क्या है, जरूरी है डायलिसिस, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर, एक्यूट रीनल फेलियर कम समय के लिए जरूरत होती है, तो उसके अंदर फिस्टूला बनाने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ी। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सबक्लेवियन या फिमोरल कैथेटर यूज करेंगे। या पेशेंट के अंदर हम फिस्टूला बना रहे हैं, लेकिन फिस्टूला के मैच्योरेशन के अंदर क्या लगता है, टाइम लगता है, जैसे कि हमने पेरिटोनियम डायलिसिस में भी पढ़ा था कि 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, तो यहां पर जो टाइम है वो 4 से 6 वीक का लगेगा। तो उस टाइम के दौरान भी तो डायलिसिस जरूरी है ना, ऐसे थोड़ी कि आप उसको छोड़ दिया, आपने 1 से 1.5 महीने तक कुछ नहीं किया। तो उस दौरान कुछ समय के लिए, जब तक कि फिस्टूला क्या नहीं हो जाए दोस्तों, मैच्योर नहीं हो जाए, एंजियोर्ज नहीं हो जाए दोस्तों, डेवलप नहीं हो जाए, तब तक हम क्या काम करेंगे दोस्तों, उसके अंदर कैथेटर डाल देंगे। सीधा क्या डाल देंगे हम दोस्तों, कैथेटर डाल देंगे। और ये जो कैथेटर है किसमें डाल सकते हैं हम, सबक्लेवियन या फिमोरल वेन के अंदर डाल देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, पहली जो टेक्निक है दैट इज सबक्लेवियन एंड और एक कोई भी यूज कर लो है ना, फिमोरल वेन कैथेटर। सबक्लेवियन या फिमोरल जो वेन है ना दोस्तों, उसके अंदर डायरेक्टली कैथेटर डाल दिया जाएगा और फिर वहां से ब्लड को क्या किया जाता है, लिया जाता है मशीन के अंदर। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, सबसे पहली चीज कि ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है, लगभग ये यूज किया जाता है दोस्तों लेस देन 6 वीक के लिए, 6 वीक से ज्यादा समय के लिए हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यूज नहीं कर सकते हैं। तो किस किस कंडीशन के अंदर यूज करते हैं हम, जैसे कि भाई आपको शॉर्ट टाइम के लिए कैसे यूज करना हो, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर है दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर आपको इसको यूज करना हो तो आप उस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना पॉइजनिंग के अंदर भी यूज करते हैं डायलिसिस का, अगर पेशेंट के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, वहां मैंने बताया नहीं आपको, तो पॉइजनिंग भी एक क्या होता है, इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे एक्यूट रीनल फेलियर कुछ समय के लिए यूज करना है तो हम ये यूज कर देंगे, या अंटिल द मैच्योरेशन ऑफ फिस्टूला, कि जब आपने फिस्टूला बनाया है, बात करेंगे फिस्टूला के आगे, तब तक आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, यूज कर सकते हो। जब तक कि आपने फिस्टूला बनाया है तब तक आप इसको यूज करोगे, जब फिस्टूला अच्छी तरह से मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, एंजोर्स हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में इसको रिमूव कर देंगे और वहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, डायलिसिस करेंगे। तो पहली जो टेक्निक है वो सबक्लेवियन एंड फिमोरल वेन कैथेटर है, ज्यादा समय के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक आती है दोस्तों, दैट इज एक्सटर्नल आर्टेरियो वेनस संट। दूसरी जो टेक्निक है दैट इज एक्सटर्नल आर्टेरियो
वेनसेंट। एक्सटर्नल आर्टेरियो वेनसेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों कि ये है हाथ, ये है आर्टरी और ये है दोस्तों इसके अंदर वेन। तो इस आर्टरी के अंदर और इस वेन के अंदर हम दो क्या डालते हैं दोस्तों, सिलिकॉन के बने हुए कैनूला डालते हैं। सिलिकॉन से बने हुए क्या डालते हैं दोस्तों, दो कैनूला डालते हैं जो कि सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, ठीक है। और इन सिलिकॉन से बने हुए कैनूला को जब हम यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं, नहीं यूज करते हैं तो उस समय हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रबर यूट्यूब के नाम से जानते हैं। यूट्यूब वाला वो वाला यूट्यूब नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यू इसकी शेप है इसलिए बोलते हैं इसको हम रबर यूट्यूब, रबर यूट्यूब, इसको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, रबर यूट्यूब के नाम से जानते हैं। तो दो हमने इसमें क्या किए, दो सिलिकॉन के कैनूला लगा दिए, दो सिलिकॉन कैनूला, एक ये रहा एक ये रहा, एक आर्टरी के अंदर एक वेन के अंदर। अब आप एक बताओ, अगर ब्लड का डाइवर्जन होता है तो कहां से किधर होगा, आर्टरी से वेन की तरफ होगा या वेन से आर्टरी की तरफ होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, तो आर्टरी से वेन की तरफ क्या जाएगा दोस्तों, ब्लड जाएगा। फिर यहां से ब्लड को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ब्लड को ले लिया जाएगा आर्टरी से, वेनस के द्वारा वापस पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। आर्टरी कैनूला से ब्लड को ले लिया जाएगा मशीन के अंदर और फिर उसको फिल्टर करके उसको वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करके वापस से वेन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, पहुंचा दिया जाएगा। तो इस टेक्निक को हम किस नाम जानते हैं, एक्सटर्नल आर्टेरियो वेनसेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सटर्नल आर्टेरियो वेनसेंट के नाम जानते हैं। अब ये मत कहते सिर्फ वेन के अंदर चला गया तो वो तो वेन के अंदर तो वैसे भी जो ब्लड है वो रहता है, भाई ऑक्सीजनेशन की तो प्रॉब्लम थोड़ी है वेन के अंदर, हमें प्रॉब्लम ब्लड की ये नहीं है कि भाई ऑक्सीजनेटेड है या नहीं है, वो तो बॉडी सही काम कर रही है लंग्स, तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, आगे बात समझ में, बस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, उसके बाद में जो ब्लड है वापस से फिल्टर होगा, बहुत सारी फिल्टर कह रहा हूँ मैं, जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेट करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम किसकी थी, वेस्ट प्रोडक्ट की, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो इसे हम इस टेक्निक को किस नाम जानते हैं, एक्सटर्नल बाहर लगा रहे हैं हम, अंदर इनको आर्टरी वेन को कुछ नहीं कर रहे, बाहर इन कैनूला को हम लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल हो गया। किस किस को जोड़ रहे हैं, आर्टेरिया वेनस को। संट का मतलब होता है दोस्तों दूसरा रास्ता, संट का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, जैसे आप पढ़ते हो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में फोरामेन ओवल प्रेजेंट होता है, तो एक्चुअली में ये रास्ता ही तो बना ना, क्योंकि ये रास्ता एडल्ट के अंदर थोड़ी होता है, तो ये रास्ता इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, संट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता बना दिया आर्टरी और वेन को जोड़कर, आर्टरी वेन के अंदर कैनूला लगा के। लेकिन दोस्तों ये भी लंबे समय के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कारण क्या क्या हो सकता है आप बताओ, आप क्या क्या सोचते हो इसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, भाई कैनूला है वो हट सकते हैं, ये डिसलोजमेंट हो सकता है ना कैनूला का, कैनूला का क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर डिसलोजमेंट हो सकता है, यहाँ पर पाए जाने जो स्किन है दोस्तों, स्किन यहाँ से डैमेज हो सकती है, जहाँ पे कैनूला आपने लंबे समय तक अगर आप यूज करोगे तो वहाँ की जो स्किन है वो भी क्या हो सकती है दोस्तों, डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो हिमाटोमा बन सकता है, वहाँ से ब्लड आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, हेमरेज हो सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स में देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा समय के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल आर्टेरियो वेनस शंट। अब हम बात करते हैं इंटरनल की, तो थर्ड आता है दोस्तों इंटरनल आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है, मतलब एक्सेस साइट है ये फिस्टुला, ठीक है। तो ये ऐसे लिखो इसके अंदर कि इट इज द प्रेफर्ड साइट, इट इज द प्रेफर्ड वे, प्रेफर्ड एक्सेस, प्रेफर्ड एक्सेस साइट, एक्सेस वे फॉर सीकेडी पेशेंट, सबसे ज्यादा जो परफॉर्म किया जाता है, प्रेफर किया जाता है दोस्तों, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, वो यही किया जाता है इंटरनल आर्टेरियो वेनस जो फिस्टुला है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं इंटरनल आर्टेरियो वेनस जो फिस्टुला वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसमें ध्यान रखना आप, ठीक है। मेनली अगर आपसे इसमें पूछता है कि कौन सी आर्टरी यूज करते हैं, तो ध्यान रखना दोनों के अंदर ही, चाहे फिस्टुला हो ये, इन दोनों में ज्यादातर जो आर्टरी वेन यूज की जाती है दोस्तों वो याद रखना, इसके अंदर रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन यूज की जाती है, ब्रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक जो वेन है वो यूज करते हैं, या फिर ब्रैकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन, ब्रैकियल आर्टरी एंड बेसिलिक जो वेन है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बेसिलिक वेन, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी और जो बेसिलिक जो वेन है दोस्तों वो यूज की जाती है, इधर रेडियल आर्टरी या सिफेलिक वेन, एक चीज ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, सेम यहां पर भी ये लिखना है, ठीक है, सेम यहां पर भी ये यूज करना है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, देखो
इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो आर्टरी और जो वेन है ना, इनको एक दूसरे को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने को किस नाम जानते हैं, एनास्टोमोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें आर्टरी और जो वेन है दोस्तों, हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ कर हमने एक रास्ता बना दिया, वो क्या हो गया दोस्तों, फिस्टूला हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो वो फिस्टूला कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर एक रास्ता बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका फिस्टूला कहलाएगा। तो आर्टरी और वेन को जोड़ दिया गया है दोस्तों, इसके अंदर एनास्टोमोसिस कर दिया गया है। तो आर्टरी का जो ब्लड है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये मिक्स होगा। यहाँ पर आर्टरी और वेनस का ब्लड यहाँ पर इस जगह पर क्या हो सकता है दोस्तों, मिक्स हो सकता है। कुछ समय पर ये आर्टरी वेनस को स्टोमिसिस करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद में, एनास्टोमोसिस करने के बाद में, इसको क्या होगा, कुछ समय के बाद ये जगह क्या हो जाएगी दोस्तों, डायलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेन के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, और वहां पर जब वेन के अंदर, जब आर्टरी से जब ब्लड वेन के अंदर आएगा, तो वो वेन क्या होंगी दोस्तों, एनजोर्ज होंगी। तो उस समय को, जिस दौरान ये एनजोर्ज होती हैं, थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं समझने के लिए, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम मैच्यूरेशन टाइम के नाम से जानते हैं। कि भाई इस दौरान क्या हो रही है, मैच्यूरेशन हो रही है, डेवलप हो रही हैं, या एनजोर्ज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं या एनजोर्ज। तो मैच्यूरेशन टाइम, डेवलप टाइम या एनजोर्ज टाइम बोलते हैं। तो इसको टाइम देते हैं दोस्तों, 4 to 6 weeks का टाइम देते हैं, 4 to 6 सप्ताह का इसमें क्या लगता है दोस्तों, टाइम लगता है। मतलब कि 4 to 6 सप्ताह तक हम इसको क्या नहीं करते हैं दोस्तों, यूज नहीं करते हैं। 4 to 6 सप्ताह तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, 4 to 6 सप्ताह के बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। तो 4 to 6 सप्ताह तक ये क्या होता है, मैच्योर होता है, डेवलप होता है, एनजोर्ज होता है। उससे क्या फायदा होता है भाई, वेन जो है ना वो मोटी हो जाती है, जो फिस्टूला है पूरा ही, ये फिस्टूला क्या हो जाता है दोस्तों, मोटा हो जाता है। तो जो लार्ज बोर जो कैनुला है ना दोस्तों, लार्ज बोर जो नीडल है वो यूज की जाती है, लार्ज बोर नीडल यूज की जाती है। इसके अंदर दो लार्ज बोर नीडल क्या कर दी जाती है दोस्तों, इंसर्ट कर दी जाती है। ठीक है, एक से ब्लड जाएगा, एक से क्या आएगा दोस्तों, वापस आएगा। तो उनको भाई इतनी बार बार आप करोगे, तो ऐसे थोड़ी कि वेन, अगर मान लो ऐसी वेन हुई, अगर आप इन वेन में लगाओ, कभी भी कैनुला लगाओगे खराब हो जाएगा। लेकिन जब इतनी लार्ज बोर रहेगी ना, तो काफी सारी आपको क्या मिलेगी दोस्तों, जगह मिलेगी। जैसे क्योंकि ये तो काफी टाइम के जाता है, एक सप्ताह के अंदर 2 to 4 times तक हम क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, बार बार उसको पंचर करना पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा बड़ी साइट रहती है, तो उसको बार बार पंचर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें क्या हो जाता है, वो एनजोर्ज हो जाता है, मैच्योर होता है, और वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अगर उससे पहले आपने उसको पंचर कर दिया, तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा सही तरह से। ठीक है, वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसके भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है दोस्तों, बनाया जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, आर्टेरियो वेनस फिस्टूला के नाम से हम इसे जानते हैं। ध्यान रखना, आर्टेरियोवेनस जो फिस्टूला है दोस्तों, इसकी पेटेंसी कैसे चेक की जाती है, कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसके लिए क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई आपका हाउ टू चेक द पेटेंसी ऑफ फिस्टूला, लिख देता हूं मैं सिर्फ, है ना, आप समझ जाना। चलो एवी फिस्टूला लिख दो, आर्टेरियोवेनस फिस्टूला। इसको चेक करने के लिए दो चीजें चेक की जाती है दोस्तों, दो साउंड होती है, एक ब्रूट होता है और एक पाल्पेशन के द्वारा फील होती है, ये होती है थ्रिल। तो ये साउंड जो है ना दोस्तों, ये ऑस्कल्टेशन के द्वारा सुनाई देती है। मतलब आप इसके स्टेथोस्कोप लगा के वहां पर सुनोगे, तो वो साउंड आपको सुनाई देगी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रूट के नाम से जानते हैं। और जब आप फील करोगे हाथों से, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, थ्रिल। तो ध्यान रखना, पाल्पेशन मेथड के द्वारा थ्रिल को फील किया जाता है, और ब्रूट को ऑस्कल्टेशन। तो अगर ये फील हो रहे हैं, तो मतलब ये अभी बिल्कुल सही है, और हम इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। तो ब्रूट एंड जो थ्रिल है दोस्तों, उसका यूज किया जाता है फिस्टूला की पेटेंसी को चेक करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट जो है ना दोस्तों, वो क्या है, लास्ट क्या है, इंटरनल आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट में क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होती है ना, कि इतनी बड़ी वेन और वो नहीं होती कि हम डायरेक्टली वो, क्योंकि एकदम उनको पास होना जरूरी है। ठीक है, उनकी साइज भी होना जरूरी होती है दोस्तों, तो इतनी आपको साइज नहीं मिल पाती है। ठीक है, इतनी क्या नहीं मिल पाती है, आपको साइज नहीं मिल पाती है कि आप इनको क्या करो दोस्तों, एनास्टोमोसिस कर सको। एनास्टोमोसिस करने के लिए तो प्रॉपर यार उसको आपको मेथड करना पड़ेगा, सूचर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उनको। आप उनको अटैच करोगे, लेकिन मतलब बिल्कुल पतली हो और आप उनको अटैच नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड यूज करते हैं। तो ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो काउ जो है ना, काउ की हम कैरोटिड आर्टरी लेते हैं, और उस कैरोटिड आर्टरी को इन दोनों से क्या करते हैं दोस्तों, अटैच करते हैं। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या यूज करते हैं, तो बोवाइन कैरोटिड आर्टरी लिखा हुआ सकता है, कैरोटिड आर्टरी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, या फिर क्या लिखा हुआ सकता है दोस्तों, आपकी काउ की कैरोटिड आर्टरी भी लिखा हुआ आ सकता है, कैरोटिड। लेकिन आजकल बहुत अच्छे अच्छे मेथड आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम काउ का यूज आजकल नहीं करते हैं। ठीक है, आजकल और भी मेथड आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेथड यूज आ गए हैं। जैसे एक पी फैल के नाम से आता है, ये
ठीक है, पीपहेल का यूज करते हैं हम। पीपहेल के अंदर क्या होता है, जैसे पोली, इसको बोलते हैं पोली टेट्रा फ्लूरो फ्लूरो एथिलीन लेटेक्स ट्यूब। ठीक है, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। तो इनका भी यूज करके हम इसके जगह इसका हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये सिंथेटिक होती है, ठीक है, ये नेचुरल होती है, तो इसको हम अटैच कर देते हैं। जब आपको अच्छी वेन और अच्छी आर्टरी नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में हम इनका भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट कर दिया हमने, ठीक है, दूसरी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर क्या किया हमने अटैच किया, तो क्या कहलाती है प्रोसीजर, क्या कहते हैं ग्राफ्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने आर्टरी वेन क्या किया दोस्तों, ग्राफ्ट किया है, क्या किया है दोस्तों, ग्राफ्ट किया है। तो इनके द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इनकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसको दिखा नहीं होकर देख लेना, पोली टेट्रा फ्लूरो ठीक है एथिलीन लेट्रेक्स ट्यूब, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड से क्या करते हैं दोस्तों, हम ब्लड को भेजते हैं। अभी कैसे काम करता है देख लो एक बार, तो जैसे ये पर्सन है दोस्तों, इसका जो ब्लड है ये यहां से जा रहा है, सॉरी इसको मैं क्लीन ब्लड इधर लिखा हुआ है, तो इधर देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, चलो यहां से ये ब्लड है दोस्तों, ये जा रहा है, ये ब्लड यहां से गया क्योंकि इसने ब्लू से बना रखा है इनको। यहां पर ये ब्लड का पंप है, तो पंप जो है दोस्तों वो क्या करेगा, प्रेशर को वो करेगा मेंटेन करेगा, प्रेशर को क्या करेगा दोस्तों मेंटेन करेगा। तो ये जो ब्लड पंप है इसके द्वारा प्रेशर क्या कर दिया जाएगा, मेंटेन कर दिया जाएगा। इसके अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाती है दोस्तों, हिपेरिन का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोडायलिसिस में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, हिपेरिन यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, हिपेरिन। और कौन सी ड्रग नहीं देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो एक तो क्या कौन सी ड्रग नहीं देते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है दोस्तों वो नहीं देते हैं, डिजोक्सिन जो ड्रग है दोस्तों वो नहीं देते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, विदहोल्ड करते हैं। और कौन सी ड्रग देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, हिपेरिन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिपेरिन सीरीज लगा के दिखा रखा है इन्होंने किस प्रकार से ये लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये जो ब्लड है किसके अंदर आएगा, डायलाइजर के अंदर आएगा। तो ये मशीन है डायलाइजर, ये पूरा फिल्टर का काम करती है, जैसे फिल्ट्रेशन होता है उस प्रकार से क्या करती है दोस्तों, फिल्टर का काम करती है। अब इसके अंदर भी जैसे हम पेरिटोनियम डायलिसिस के अंदर डायलाइसेट यूज कर रहे थे दोस्तों, वहां यहां पर भी हम क्या करते हैं, जो डायलाइसेट है दोस्तों उसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो यहां पर दो डायलाइसेट लगे हुए होते हैं, देखो एक ये है और एक ये है, तो एक से क्या होगा दोस्तों, जाएगा, एक से क्या होगा, जाएगा, तो ये डायलाइसेट क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर एंटर करेगा। डायलाइसेट वही है, कुछ नहीं है, डायलाइसिस एक फ्लूड होता है, डायलाइसेट जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है आपका, इकोडेक्स्ट्रिन होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो दोस्तों वही क्या कहलाता है आपका, मतलब सेम पेरिटोनियम जो कैविटी कर रही है वो काम ये मशीन करेगी यहाँ पे। तो ये डायलाइसेट यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर होने के बाद में दोस्तों जो बेस्ट जो प्रोडक्ट है ये इस यूज्ड डायलाइजेटर के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, वापस डायलाइसेट के अंदर वापस आ जाते हैं, और जो ब्लड है वो फिल्टर होकर वापस आगे की तरफ जाता है। यहाँ पर एयर ट्रैप या एयर डिटेक्टर लगाया जाता है ताकि अंदर जो ब्लड जा रहा है दोस्तों कहीं उसके अंदर एयर एम्बोलिज्म नहीं हो जाए। मैं आपको भी आगे कॉम्प्लिकेशन पढ़ाऊंगा, तो कॉम्प्लिकेशन में बताऊंगा किसके कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म, तो इसके कारण क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर लगा हुआ होता है और वेनस प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ होता है, तो इसे यहाँ पर वापस से ब्लड बॉडी के अंदर क्या कर दिया गया, एंटर कर दिया गया। सिंपल सा प्रोसेस, कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा डिटेल में डायलिसिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ जाओ, ठीक है, और आप लिखने लग जाओ उसमें, 10 पेज लिख दिया आपने, ये होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, 1 चैम्बर ये होता है, ये होता है, तो इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपल से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। सिंपल सा है दोस्तों, ब्लड जा रहा है, ब्लड पंप उसको मेंटेन कर रहा है, हिपेरिन ड्रग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर मोनिटर इसमें लगा हुआ रहता है, मशीन डायलाइजर में जाती है। डायलाइजर के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, जो कि किसका काम करती है, सेमी पर्लोरल मेम्ब्रेन का काम करती है, वहाँ से ब्लड क्या होता है दोस्तों, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब क्या हो जाते हैं, एक्सेस फ्लूड है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब रिमूव हो जाते हैं, वापस से ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है। बस सिंपल सा, ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे इसमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, इसमें टाइम कितना लगता है, तो डायलिसिस की प्रोसेस में जो टाइम है दोस्तों, लगभग 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है। क्या लगता है, 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। अगर इसको रैपिडली कर दिया जाए तो उसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे हम डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर आपने ज्यादा जल्दी करने की कोशिश की तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में क्या हो जाता है दोस्तों, ICP क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और सेरेब्रल जो एडिमा है वो हो जाती है पेशेंट के अंदर, सेरेब्रल एडिमा और ICP हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये रैपिडली अगर आपने ज्यादा तेज कर दिया, ज्यादा जल्दी कर दिया, उसके कारण से ये क्या हो सकता है दोस्तों, पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है, तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, या फिर जिसके कारण क्या होगा, ICP और जो सेरेब्रल एडिमा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना लगा, लगभग 4 से 6 घंटे। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हर पेशेंट के अंदर अलग अलग करते हैं, जैसे किसी को 1 सप्ताह में 2 बार बुलाते हैं, किसी को 3 बार बुलाते हैं, किसी को 4 बार, तो 2-4 टाइम्स इन ए वीक,
इन्हें वीक, एक वीक के अंदर दो से और चार बार क्या किया जाता है दोस्तों, बुलाया जाता है। इसका अगर आप कॉम्प्लिकेशन पूछे तो एक कॉम्प्लिकेशन तो जरूर याद रखना, हाइपोटेंशन। इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन। एक मैंने आपको अभी बताया डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, सेप्टिसीमिया हो सकता है, ठीक है। ब्लड बोर्न जितने भी इन्फेक्शन है वो सब हो सकते हैं, जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर एयर चली गई तो क्या होगा दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, पेशेंट शॉक के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये आपका डायलिसिस है, मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की आपको हर चीज़ समझाने की। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो एक बार यूट्यूब पे अर्जुन सर की वीडियो है, प्लीज उसको एक बार आप जाके देख लेना। चलो अब एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन है जो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब उसमें ऐसा देख लगेगा कि सारे सही हैं यार। क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि एक पेशेंट है, उसको CKD है, उसके अंदर आपको दोस्तों इन चार आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहे हैं, एसाइटिस, एसिडोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से दोस्तों कौन सा है इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत है? तो आपने पढ़ा होगा CKD के अंदर एसाइटिस भी होता है, एसिडोसिस भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों इन सबके अंदर जो आंसर आएगा दैट इज हाइपरकैलेमिया। क्योंकि हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, एरिथमिया या डिसरिथमिया की कंडीशन हो जाती है, और एरिथमिया हो गया तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और हार्ट से रिलेटेड अगर दोस्तों प्रॉब्लम आ गई ना तो जो पेशेंट है कार्डियक अरेस्ट के अंदर भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ तो फिर हो सकती है, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए अगर हम प्रायोरिटी बेस्ड पे देखें तो हाइपरकैलेमिया क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। हाइपरटेंशन तो आएगा ही नहीं भाई, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम ये देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए तो डायलिसिस किया ही नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, एसआईटिस की कंडीशन के अंदर कई सारे मेथड और भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया है कि जो टैपिंग है, एसाइटल टैपिंग है दोस्तों, वो पैरासेंटेसिस का जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, ठीक है। एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हाइपरकैलेमिया नहीं कर सकते, इनमें भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अगर इन चारों में से हमें अगर एक ढूंढना होना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा, हाइपरकैलेमिया आएगा। तो बस सिंपल से एक लाइन लिख लो कि हाइपरकैलेमिया इज एन इंडिकेशन ऑफ, हाइपरकैलेमिया इज एन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस इन ए CKD पेशेंट। ऐसे मत लिख देना कि सिर्फ ये नहीं कि हाइपरकैलेमिया वगैरह आपने लिख दिया, नहीं, CKD पेशेंट के अंदर, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपने अगर CKD पेशेंट नहीं लिखा तो अभी बहुत गलत सेंटेंस लिख रहे हो, ठीक है। CKD पेशेंट के अंदर अगर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट को किस चीज की जरूरत है दोस्तों, डायलिसिस की जरूरत है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट इज टू हैव हीमोडायलिसिस, व्हाट मस्ट द नर्स डू बिफोर दिस ट्रीटमेंट? भाई डायलिसिस करने से पहले क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि किडनी से ज्यादातर रिलेटेड जो होती है ना, उसके अंदर हम इनटेक आउटपुट चेक करना, वेट करना। तो पेशेंट का हीमोडायलिसिस से पहले हमेशा है ना ध्यान रखना कि वेट है ना वो किया जाता है, ताकि आपको फ्लूड का पता लगे कि भाई कितना फ्लूड रहा है, कितना गया है बॉडी के अंदर। तो हमेशा हीमोडायलिसिस से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट का वेट करते हैं, ताकि हमें यह पता लगे बेसलाइन की भाई बाद में इसका वेट कितना है, अब कितना वेट रहा, तो कितना फ्लूड बॉडी से बाहर गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा, हीमोडायलिसिस से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट का वेट करेंगे। पहला जगह ऑप्टेन ए यूरिन स्पेसिमेन। देखो ज्यादातर मान लो CKD का पेशेंट है ना दोस्तों, तो उसको डायलिसिस जिस पेशेंट जरूरत है हीमोडायलिसिस की, तो ज्यादातर वो यूरिन कर ही नहीं पाता है। और आप कहोगे भाई यूरिन स्पेसिमेन लो तो उस चक्कर में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पेशेंट यूरिन करता है, बहुत कम अमाउंट में करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं हो पाएगा, यूरिन स्पेसिमेन, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड दे रखा है एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशंस दैट आर शेड्यूल्ड टू बी गिवन विद इन द नेक्स्ट आवर। ज्यादातर हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे डायलिसिस करने वाले होते हैं ना, तो एक घंटे पहले जो मेडिकेशन देते हैं उनको सबको क्या कर देते हैं, विदहोल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी अब डायलिसिस होगा, फिल्टर के द्वारा क्या होगी, बॉडी से बाहर चले जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है, उसके डायलाइजर के द्वारा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि इसमें क्या कह रहा है कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करो जो कि आपको शेड्यूल है कि आपको एक विद इन नेक्स्ट आवर देनी है, अगले घंटे के अंदर देनी है। तो डायलिसिस करने से पहले ज्यादातर मेडिकेशन को क्या करेंगे, हम विदहोल्ड करेंगे। एक्सप्लेन दैट द पेरिटोनियम सर्व एज ए सेम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन टू रिमूव द वेस्ट। बिल्कुल गलत है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस में होता है, ना कि किसमें होता है दोस्तों, आपका हीमोडायलिसिस में होता है। हीमोडायलिसिस के अंदर कहां से ये होगा, जिसके अंदर क्या पेरिटोनियम सर्व कर रही है, पेरिटोनियम थोड़ी कर रही है इसके अंदर, इसके अंदर तो हम आर्टिफिशियल वो यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर सेलो
फैन की पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, उसे जो डायलाइजर होता है उसके अंदर वो लगी हुई होती है, उसके द्वारा हम क्लीन करते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। लिखो हीमोडायलिसिस से पहले पेशेंट का वेट चेक करना चाहिए। पेशेंट का वेट वो तो पेरिटोनियल डायलिसिस से पहले भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ हीमोडायलिसिस, ठीक है, ध्यान रखना, चेक करना चाहिए ताकि बेसलाइन तथा बाद के वेट को कंपेयर कर सकें, बाद के वेट को कंपेयर कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा दोस्तों कि एक क्लाइंट विद, चलो ये बाद में बताऊंगा मैं, ब्लैडर से रिलेटेड है ये बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, पहले लास्ट के क्वेश्चन तो आप देख लेना, सीक्वेंस देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये भी बाद में बताऊंगा, चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ टू मच सोडियम मे अकर, ठीक है भाई, हो सकता है कि हीमोडायलिसिस के द्वारा ज्यादा जो सोडियम वो क्या हो जाए दोस्तों, रिमूव हो सकता है। फॉर विच क्लिनिकल फाइंडिंग एसोसिएटेड विद हाइपोनेट्रीमिया शुड द नर्स असेस द क्लाइंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कि भाई हाइपोनेट्रीमिया के अंदर क्या क्या सिम्टम पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाइपोनेट्रीमिया ज्यादातर मैं आपको फंडामेंटल फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको एक ही सिम्टम बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पहला देखा इसके अंदर वोस्टेक साइन कभी भी दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया के कारण नहीं आ सकता है। इसमें यह कह रहा है भाई किसी पेशेंट को डायलिसिस किया, सोडियम ज्यादा बाहर निकल गया, तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सोडियम का जो नॉर्मल जो लेवल होता है वो कितना होता है, 135 से 145 मिलीक्विलाइन पर लीटर होता है। अगर 135 से कम होता है तो हाइपोनेट्रीमिया, 145 से ज्यादा होता है तो हाइपरनेट्रीमिया, अगर 135 से कम हो रहा है दोस्तों तो उसके कारण हाइपोनेट्रीमिया। अब आपको इन साइन में देख के बताओ कि इस पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हुआ या नहीं हुआ। तो पहला दे रखा है दोस्तों वोस्टेक साइन ज्यादा किसके कारण आता है दोस्तों, कैल्शियम के कारण आता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण वोस्टेक साउंड, ट्राउजर साइन, टिंगलिंग, लैरिंजियल स्पाज्म, ठीक है, नंबनेस, कार्पल बेल स्पाज्म, ये सब दिखाई देते हैं, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। मसल्स क्रैम्प्स, हाँ ये सही है, सोडियम की कमी से पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, मसल्स के अंदर क्या आ सकता है, क्रैम्प्स आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्सट्रीम फटीग भी हो सकती है, ठीक है, ज्यादा थकआउट भी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें सोडियम की कमी से देखने को मिलती हैं, ये अभी तक बिल्कुल सही है। कार्डियक डिसरिथमिया नहीं देखने को मिलेगी, पोटेशियम से रिलेटेड है ये दोस्तों, दिस इज रिलेटेड टू द पोटेशियम, ठीक है, दोनों में दिखाई देती है, बल्कि ये हाइपो हाइपर दोनों में हो जाता है ये। इनक्रीज टेम्परेचर इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, मसल्स क्रैम्प और एक्सट्रीम फटीग, मसल्स क्रैम्प और एक्सट्रीम फटीग। तो लिखो, बस सिंपल से लिखाऊंगा मैं आपको, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, मसल क्रैम्प्स एंड एक्सट्रीम फटीग हाइपोनेट्रीमिया के साइन होते हैं। बस डायलिसिस वायलिसिस छोड़ो यहां पे, क्या साइन होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी डायलिसिस रिलेटेड हो, ये तो बनाने की कोशिश किया क्वेश्चन को। बस देखो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है दोस्तों एंड स्टेज रीनल डिजीज के बारे में, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम सीकेडी पढ़ते हैं तो उसके अंदर पांच उसकी स्टेज होती हैं, ठीक है, पांच स्टेज G1 G2 G3 G4 G5 में अगर पहुंच गया और अगर 15 मिलीक्विलाइन पर लीटर से भी अगर GFR दोस्तों क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से जानते हैं। उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया दोस्तों, मैच्योर हो गया क्या, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, फिस्टुला बनाया गया, बनाने के बाद 4 से 6 वीक का क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, उस टाइम के अंदर क्या होता है, मैच्योर डेवलप या एंजोर्ज हो जाता है, ठीक है, तो ये उसके अंदर बनाया गया। व्हाट नर्सिंग केयर शुड बी इंक्लूड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर, क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करोगे ऐसे पेशेंट के अंदर। पहला है अस्कल्टेट फॉर ए ब्रूट, बिल्कुल सही है, मैंने आपको कहा था दोस्तों कि अगर आपको पेटेंसी ऑफ चेक फिस्टूला चेक करनी है तो दो चीजें आप चेक करोगे, एक चीज आप क्या थ्रिल चेक करोगे, एक ब्रूट चेक करोगे, ठीक है, ब्रूट को अस्कल्टेट करोगे, थ्रिल को फील करोगे या पालपेट करोगे, तो ये बिल्कुल सही है, अस्कल्टेट द ब्रूट, पालपेट द साइट टू आइडेंटिफाई ए थ्रिल, ये भी बिल्कुल सही है, इरिगेट विद सेलाइन टू मेंटेन पोटेंस, अरे भाई अंदर है ये, कहां पर इसको इरिगेट करोगे आप, इरिगेट नहीं करते हैं, इरिगेट मतलब क्लीन करना है, फिस्टुला तो दोनों आर्टरी में जुड़ी हुई है, आपको इरिगेट कहां से कर सकते हो आप इसको, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अवॉइड ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना ये चीज मैंने वहां पर बताई नहीं आपको, ध्यान रखना है कि जिस भी पेशेंट का जिस भी फिस्टुला लगा हुआ है उस एक्सट्रीमिटी से, उस लिम्ब से हम कभी भी सैंपल नहीं लेते, कभी भी हम बीपी नहीं लगाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, कभी भी सैंपल ड्रॉ नहीं करते, कैनुला नहीं लगाते, बीपी नहीं लगाते हैं, क्यों, उसके पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो अवॉइड ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ये बिल्कुल सही है।
ब्रूड के लिए सल्फेट करेंगे ठीक है, पालपेट करेंगे ठीक है, ये गलत है। कीप द फिस्टुला क्लैम्प्ड अंटिल रेडी टू परफॉर्म डायलिसिस। अरे भाई फिस्टुला इंटरनल कहाँ से क्लैम्प करोगे, क्लैम्प कर ही नहीं सकते हैं फिस्टुला को, ऐसा कोई मेथड आप आर्टरी वेन को कहाँ से क्लैम्प करोगे, ऐसा कोई होता है थोड़ी, इसको क्लैम्प करने का कोई सिस्टम ही नहीं होता है ठीक है, इंटरनल चीज़ें क्लैम्प थोड़ी होती हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर आएंगे वो ये तीनों हो जाएंगे, तो लिख लो, लिखो लिखो डायलिसिस के जिस पेशेंट में इंटरनल आर्टेरियो वेनस फिस्टूला बना हुआ होता है उस पेशेंट में ब्रूट को अस्कल्टेट थ्रिल को पालपेट तथा उस एक्सट्रीमिटी से ब्लड सैंपल नहीं लेने चाहिए। यहाँ कहीं गलत लाइन ना बन जाए, करना चाहिए लिख लो ठीक है, ब्रूड अस्कल्टेट तथा थ्रिल को पालपेट करना चाहिए तथा उस एक्सट्रीमिटी से ब्लड सैंपल नहीं लेने चाहिए। कहीं ये मत सोच लेना कि आप ये कहोगे कि एस्कल्टेट थ्रिल को ये नहीं करना चाहिए ठीक है, ब्रूड को अस्कल्टेट थ्रिल को पालपेट करना चाहिए तथा उस एक्सट्रीमिटी से ब्लड सैंपल नहीं लेना चाहिए, ऐसे लिख लो इसको ठीक है, नहीं आप गलत कर दोगे, डायरेक्ट आप समझोगे नहीं थोड़े दिन बाद पढ़ोगे तो। चलो अब एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं सिंपल, इनको भी देख लेते हैं ना। देखो अब ये मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, सीए ब्लैडर के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है ठीक है। उसके अंदर एक पेशेंट है दोस्तों, इनवेजिव कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर ठीक है, जब म्यूकोसल मेम्ब्रेन से आगे की तरफ मूव हो जाता है ना, मसल्स लेयर तक पहुंच जाता है, तो उसे हम इनवेजिव के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ क्या कर दिया, वो इन्वेजन कर दिया कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर ने। इज रिसीविंग रेडिएशन टू द लोअर एब्डोमन, लोअर एब्डोमन पे हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी का हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं। एन अटेम्प्ट टू श्रिंक द ट्यूमर बिफोर सर्जरी, ज्यादातर रेडिएशन थेरेपी दी भी इसलिए जाती है कि सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं, जो ट्यूमर के जो साइज है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, श्रिंक कर देते हैं ठीक है। व्हाट शुड द नर्स डू कंसिडरिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, भाई नर्स को क्या मानना चाहिए कि रेडिएशन का क्या साइड इफेक्ट होता है इनमें से सब में ठीक है। ऑब्जर्व द फिसेज फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक्चुअली में जब रेडिएशन देते हैं ना तो दे तो ब्लैडर पे रहे हैं लेकिन उसके पीछे की तरफ इंटेस्टाइन है, तो वो इंटेस्टाइन क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो जो उसके पास इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन क्या हो सकते हैं दोस्तों, डैमेज हो सकते हैं, उनकी म्यूकोसा डैमेज हो सकती है, इसके कारण ब्लड आ सकता है। और वो जो ब्लड है दोस्तों उसमें हम कहाँ मिलेगा, हमें देखने पर फिसेज में देखने को मिलेगा, तो इसलिए रेडिएशन देने वाले पेशेंट के अंदर जो फिसेज होता है ना उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड को क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। रेडिएशन थेरेपी के कारण पेशेंट को कभी भी हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है। एनिमा एडमिनिस्ट्रेट एनिमा टू रिमूव सिलेगिंग टिश्यूज, सिलेगिंग टिश्यूज को रिमूव करने के लिए एनिमा देंगे। एनिमा ज्यादातर क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं म्यूकोसा के अंदर जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, तो बाउल के म्यूकोसा के डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए तो एनिमा देंगे नहीं, तो एनिमा ज्यादातर रेडिएशन के दौरान पेशेंट के अंदर जब रेडिएशन थेरेपी चलती रहती है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, एनिमा नहीं देते। फोर्थ दे रखा है कि प्रोवाइड ए हाई बल्क डाइट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल गलत है, रेडिएशन थेरेपी के कारण जो कॉम्प्लिकेशन आप देखने को मिलता है दैट इज डायरिया, नेकी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। एनिमा देते नहीं है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, हाइपरटेंशन ये कोज करता नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका प्रेजेंस ऑफ ब्लड। तो लिखो ब्लैडर कार्सिनोमा के पेशेंट में रेडिएशन थेरेपी के कारण के कारण इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज हो सकती है, इसलिए फीकल मैटर नहीं लिखा होता, स्टूल लिखा है ना, स्टूल को ब्लड के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, ऑब्जर्व करना
चाहिए। इसके बाद आज की क्लास का और आज के सिस्टम का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर सर्जरी फॉर ए किडनी ट्रांसप्लांट, एक पेशेंट है दोस्तों, उसको किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो गई है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, उसका ब्लड क्रिएटिनिन लेवल हमने चेक किया 3.1 मिलीग्राम पर डीएल है, नॉर्मल 0.6 टू 1.3 होता है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि बुक में कई बार 1.2 भी मिल जाता है, तो मुझे गाली मत देना, तो 0.6 टू 1.2 भी मिल सकता है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट इन रेस्पॉन्स टू दिस लेबोरेटरी रिजल्ट। देखो पहली बात दोस्तों ये है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल चीज हमें क्या करनी चाहिए, नोटिफाई करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर होना चाहिए कि भाई क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा रहा है, नोटिफाई करेंगे। लेकिन दोस्तों कभी भी है ना, ऐसा नहीं कि आप पेशेंट के पास जाए फिर वो पूछेगा कि उसका यूरिन आ रहा है, फिर आप दोबारा से आए फिर उसने कहा वाइटल्स क्या है। तो दोस्तों हम जो डाटा है ना, एडिशनल डाटा भी हमें साथ में लेकर जाने हुए होते हैं, तो क्रिएटिनिन लेवल जब लो कम आता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि उस पेशेंट का कहीं यूरिन आउटपुट तो क्या नहीं है दोस्तों, डिक्रीज नहीं है। फिर उसके पेशेंट के हम क्या लेंगे दोस्तों, उसके बाद पेशेंट के हम क्या लेंगे दोस्तों, वाइटल्स लेंगे। वाइटल लेने के बाद में दोस्तों हम ब्लड टेस्ट की उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जो इन्फ्यूजन है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सब करने के बाद में फिर लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज असेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। पहले सबसे पहले हम यूरिन आउटपुट को असेस करेंगे, ठीक है, उस पेशेंट के, उसके बाद में हम पेशेंट के जो वाइटल्स हैं उनको असेस करेंगे, फिर उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे, फिर इंट्रावेनस जो इन्फ्यूजन है उसको चेक करेंगे, और इन सबको ले जाकर फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे कि भाई ये पेशेंट है, ये प्रॉब्लम है, ये चीजें उसको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लिख लो, लिखो, अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, ब्रैकेट में लिख लेना, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3.1 mg पर डीएल दे रखा है शायद, 3.1 दे रखा है ना, हाँ, बढ़ा हुआ मिलता है तो नर्स को सबसे पहले पेशेंट का यूरिन आउटपुट असेस करना चाहिए। उसके बाद वाइटल्स, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स की रिजल्ट देखेंगे, फिर आईवी इन्फ्यूजन असेस, और फिर क्या करेंगे, एससीपी नोटिफाई। याद मत करना, ये सीक्वेंस याद करोगे टाइम वेस्ट करोगे, बस सिंपल से याद रख लो कि अगर ये हो रहा है तो आप क्या चीज़ चेक करोगे, यूरिन आउटपुट को क्या करोगे दोस्तों, असेस करोगे, बस इतना याद रख लो, ज़्यादा भी नहीं याद हो तो, बस ये बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर ब्रूट को असल्टेट करते हैं, पालपेट करते हैं हम थ्रिल के लिए, इसके अलावा अवॉइड करते हैं सैंपल फ्रॉम द एक्सट्रीमिटेड, जो अफेक्टेड है जो एक्सट्रीमिटी है उससे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसके अंदर हाइपोनेट्रेमिया के अंदर मसल क्रैम्प और एक्सट्रीम जो फटीग वो देखने को मिलती है। इसके बाद ये अभी जस्ट बताया ही है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में पेशेंट को यूरिन आउटपुट क्या करना चाहिए, अगर क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा आ रहा है तो असेस करना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को कार्सिनोम ऑफ द ब्लैडर है तो उसको अगर रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो म्यूकोसा डैमेज हो सकती है, इसलिए हम जो फीसेज है, फीकल मैटर है, उसके अंदर हम ब्लड को क्या करेंगे दोस्तों, असेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, किसी भी पेशेंट का पेरिटोनियम डायलिसिस कर रहे हो और उस दौरान जो लीकेज बोल रहा हूँ कम हो गया है ड्रेनेज या बिल्कुल बंद हो गया है, तो आप पेशेंट की पोजिशन को क्या करोगे दोस्तों, चेंज करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या चीज़ करते हो असेस, हमेशा वेट द क्लाइंट टू स्टेबलेट द बेस लाइन फॉर लेटर कंपेरिजन डायलिसिस से पहले। फिर इसके बाद में क्या था, इसके बाद है दोस्तों हीमोडायलिसिस से रिलेटेड ही कि भाई क्या इसका इंडिकेशन है, एक हाइपरकैलेमिया के इसका इंडिकेशन है। इसके बाद क्या है दोस्तों, क्या काम करता है, रिमूव द टॉक्सिन्स इन एडिशन टू अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये है ही कि भाई क्या होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का यूज होता है टू क्लियर टॉक्सिंस बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।
तो ये छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक नया सिस्टम लेंगे, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।